आज हम आपको लिटिल मोटिवेटर मयंक से मिलवाएंगे, जिनकी हाइट महज 36 इंच है, लेकिन उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो 6 फुट के इंसान के लिए भी हासिल कर पाना अपने पूरे जीवन काल में संभव नहीं हो पाता है। हाल ही में मयंक का नाम तब चर्चा में आया जब इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे लंबे समय तक घोड़े की मुद्रा में बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। सीधे हम जुड़ेंगे मयंक से और आपको मिलवाएंगे कि मयंक है कौन, आपकी पहचान कराएंगे। मयंक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपकी सारी उपलब्धियों में। धन्यवाद। मयंक, सबसे पहले हमें बताइए कि ये जो रिकॉर्ड आपने बनाया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो दर्ज हुआ है, ये रिकॉर्ड है क्या, किस तरह का ये रिकॉर्ड है? ये रिकॉर्ड है इंडिया बुक रिकॉर्ड, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल को ये मौका देता है कि अपने स्पेशल एबिलिटी को दिखाने का। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इसमें ट्राई करता हूँ और फिर मैंने इसमें ट्राई किया। मैं सोचा, पहले सर्च किया कि कौन कौन सा मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो मुझे तो लगा कि मुझे हॉर्स स्टांस का पूरा करना चाहिए। मैं इसकी प्रैक्टिस कर किया, पहले बहुत बार प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैं थोड़ा सा शांत रूम में इसको अपना रिकॉर्ड किया। आपकी ये एक रिकॉर्ड हो गया जो पूरे इंडिया लेवल पे है ये रिकॉर्ड, या ये आप बता रहे थे जैसा कि ये एशिया में भी मतलब एफिलिएटेड है? हाँ, ये एशिया में भी है, ये एशिया से एफिलिएटेड है इंडिया बुक रिकॉर्ड। तो ऐसा मान सकते हैं कि पूरे एशिया में ये एक तरह का अपने तरह का जी एशिया में ये रिकॉर्ड है मतलब? हाँ। अच्छा, इसके बारे में और बताइए मयंक, कैसे पता चला आपको ये और किस तरह से आपने ये रिकॉर्ड बनाया? पहली बार आपने इसके बारे में कब सुना और कैसे आपके मन में आया कि ये आपको करना चाहिए? ये मैंने नेट के थ्रू पता चला मुझे। मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, यूट्यूब में देखा मैंने कि जब बुक रिकॉर्ड में लोग जा रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं अपना, तो मैंने सोचा मैं भी इसमें एक बार ट्राई करता हूँ। मयंक, आपकी और भी उपलब्धियों के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपकी पेंटिंग्स का भी वर्चुअल एग्जीबिशन लगा था, उसके बारे में बताइए। हाल ही में अभी मैं मणिकर्णिका आर्ट गैलरी में मेरा जो आर्ट है वो एग्जीबिशन में लगाया गया था। जो बेहतरीन जो आर्ट है मेरे, उनको वहाँ पे उत्तर प्रदेश में दिखाया गया था। तो आपकी कितनी पेंटिंग्स को उसमें शामिल किया गया? मेरी 2 पेंटिंग, जिसमें से एक पोर्ट्रेट थी और एक पेंटिंग मेरी वो उसकी आइकॉनिक पेंटिंग थी। वो थी कौन कौन सी पेंटिंग थी वो? वो पेंटिंग मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, ये इस जो वर्चुअल मेरे ख्याल से ये थी जो ये पूरी कार्यशाला थी, ये एग्जीबिशन थी, ऑनलाइन थी, ये लॉकडाउन के चलते क्या ऑनलाइन थी। कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था देश भर से? इसमें तो इंटरनेशनल के लोग भी थे। अच्छा, उसके लिए भी आपके 2 पेंटिंग्स का सिलेक्शन किया गया था? वो लोग 3 मांगते हैं और 2 सेलेक्ट करते हैं बेहतरीन। तो मैंने तो 8 अपने बेहतरीन दिए थे, उनमें से वो सेलेक्ट करके 2 उन्होंने एग्जीबिशन में लगाया था। अच्छा, आपकी जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया पे लिटिल मोटिवेटर के नाम से आप चलाते हैं, उसके बारे में बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे इसकी आपने शुरू किया? मैंने इसको 2009 में स्टार्ट किया था। हाँ। जब मैं कॉलेज टाइम में था उस टाइम से मैं इसको स्टार्ट किया था। मैं देखा कि लोग छोटा होने के कारण लोग मुझसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और मेरे बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं सोचा अपने बारे में थोड़ा और अपने आप को एक्सप्लोर करूँ, उनके क्यूरियोसिटी को दूर करूँ। तो तब से ये सिलसिला आप तक चली रहा है? जी, अभी तक चल रहा है। तो मयंक, जैसा कि हम देखते हैं, आपने खुद बताया कि लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है, आपकी हाइट 36 इंच है, तो किस तरह से आप सामना करते हैं लोगों का या किस तरह से लेते हैं इसको आप? क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि लोग डिसेबल रहते हैं तो हीन भावना आ जाती है उनके मन में, उनको भी क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं सोचता हूँ कि उनको क्या है, ऐसे बिना पूछे फोटो नहीं लेना चाहिए, मुझकर फोटो खींचो। या फिर अब जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं जैसे मैं कोई वो हूँ, दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ, ऐसे करके सोचते हैं। तो मुझे भी थोड़ा लगता है, मैं बोला आपको पूछना है, आपका क्यूरियोसिटी है, अब आकर पूछो, मैं थोड़ी मतलब बोलूँगा, अब आप मेरे को बोलूँगा कि कहाँ से आया है, कहाँ से लेकर आए हो, तो ये तो मतलब गलत है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो आमतौर पर हम देखते हैं कि जो ऊंची लंबी काठी के लोग होते हैं वो भी इन उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाते पूरे जीवन काल में, तो ये बड़ी बात ही है। और अपने जैसे लोगों को और भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं? मैं कहना चाहता हूँ लोगों को कि आप मेहनत करिए और बदलाव के लिए हमेशा
अक्सर तैयार रहिए, क्योंकि जब आप कुछ अचीव करते हैं तो लोग उससे इंस्पायर होते हैं और फिर उस चीज़ को वो फॉलो करते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा, आप ट्राई करते रहिए। अच्छा, आपको हम ये भी बता दें कि मयंक इन सारी उपलब्धियों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के भी पदाधिकारी हैं, इस संस्था के लिए भी काम कर रहे हैं। तो मयंक हमें यह भी बताइए कि एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए भी आप काम कर रहे हैं। जी, मैं अभी अपॉइंटेड हुआ हूँ और मुझे ये कार्य दिया गया है सेमिनार और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो ये संस्था क्या है और इसका क्या काम रहता है और आपका क्या योगदान है इसमें? इसका योगदान यही है कि करप्शन के खिलाफ हमको एक मुहिम चला रहे हैं, करप्शन के खिलाफ वो अवेयरनेस क्रिएट करना, सेमिनार बच्चों में और विजिलेंस में ऐसा करते हैं। जी, तो आपने जो बताया कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, पेंटिंग आप करते ही हैं, एंटी करप्शन के लिए भी आप काम कर रहे हैं, तो और क्या क्या प्लान्स हैं इस तरह के आपके अभी? मैं संगीत भी गाता हूँ। अच्छा, तो डांस तो मैं इतना करता नहीं, संगीत का मेरे को शौक है, पेंटिंग का और लिखता भी हूँ मैं, बस उसी में आगे बढ़ना है मेरे को। तो एक तरह से मल्टी टैलेंटेड हैं आप पूरी तरह से। और कुछ ऑफर भी आपको मिला कहीं से, या और भी आप संस्थाओं को ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ ऐसा? अभी जैसे आपके पिताजी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि और भी लोग आप में इंटरेस्टेड हैं और मल्टी टैलेंटेड का भी एक अवार्ड है या कोई संस्था है आपसे आपके संपर्क में है? मेरे पास अभी ऑफर आते जा रहे हैं, अभी स्पेशल एबिलिटी इवेंट सेशन शो था दिव्यांग लोगों का, उसमें भी मैं मतलब भाग लिया हूँ। चलिए, हम बात कर रहे थे मयंक विश्वकर्मा से। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो पूरी तरह से रिस्ट पुष्ट लोग होते हैं और अच्छी खासी कदकाठी के रहते हैं, वो भी कई बार कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है और अपना काम वो ठीक तरह से नहीं कर पाते, तो उनके लिए तो है ही, लेकिन जो डिसेबल हैं और जो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जीवन अब समाप्त हो चुका है, उनके लिए मयंक एक बड़ा उदाहरण है। महज 36 इंच की ही हाइट है मयंक की, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां इन्होंने हासिल की हैं, वो निश्चित तौर पर प्रेरणा है डिसेबल लोगों के लिए भी और जो नॉर्मल लोग भी हैं जो कॉन्फिडेंस जिनका लो रहता है उनके लिए भी मयंक एक प्रेरणा स्रोत है। कोरबा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।